आज चर्चा का विषय तो ये तीन काले कानून है और ये पहला अवसर है इन काले कानूनों के विरोध में इस कृषि प्रधान देश के 36 जात के लोग इकट्ठे हैं। नाम को तो ये किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन के समर्थन में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, राज्य सत्ता के अलावा समूचे देश के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं? सभी इकट्ठे हैं ना? मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे आप। जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि इन कानूनों के विरोध में आज सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं? लोग जब इकट्ठे हैं तो सरकार को मजबूर होकर के प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता की आवाज को मानना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लेकिन चूंकि चुनिंदा लोगों के हिसाब से सरकार बनी हुई है और उन लोगों की वजह से सरकार चल रही है, इसलिए सरकार की मंशा तो केवल एक है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को राजी रखा जाए और हुकूमत की आड़ लेकर के देश की जनता को लूटने का काम किया जाए। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, ये सरकार जितने भी कानून बना पाई है योजनाबद्ध तरीके से उसका लाभ मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उन्हीं को पहुंच रहा है, बाकी तो सभी परेशान हैं। देश तो हमारा ये कृषि प्रधान देश है और इस देश की सारी अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान की हालत दयनीय है तो देश का बुरा हाल। आज प्रभु की कृपा से फसल तो बहुत अच्छी है लेकिन किसान का उत्पादन कोई खरीद नहीं रहा है। सरकार की तरफ से उत्पादनों के जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं उस मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही, और अगर किसी का कोई थोड़ा बहुत खरीद लिया जाए तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही। मंडियां अनाज से भरी पड़ी, लोग अपना उत्पादन मंडियों से वापस घरों को लेके जा रहे हैं और जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। किसान को अच्छे बीज उपलब्ध नहीं है, खाद के दाम बढ़ रहे हैं,
डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीड़े मार दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है, सिर्फ किसान का उत्पादन मंदा हो रहा है, उसका कोई खरीदार नहीं। इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के कानों पर अब तक जू तक नहीं रेंग पाई। उसी कानून को जनहित में बता करके उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं, लोग बहुत परेशान। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास ये होगा कि हम एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनाए, और उस मोर्चे के माध्यम से सरकार को मजबूर कर दें कि सत्ता में बने हुए लोग इनको छोड़ के चले जाएं। सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मिड टर्म पोल होंगे कि नहीं होंगे, और मध्यावधि चुनाव जब होंगे तो जो माहौल आज देश में व्यापक है, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इसलिए हमारी पार्टी का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्ष पर हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की एक सूत्री कार्यक्रम था कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे, इस बात को मनवाने के लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र संघर्ष किया। ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा उनकी देन है, और हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके स्वप्न को साकार करने के पक्षधर हैं। जब देश के जनमानस को जोड़ने में हमारी पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय सतर पर हम सभी विपक्षी पार्टी के अग्रणी नेताओं से संपर्क स्थापित करें, और एक मजबूत तीसरे मोर्चे का गठन करें। पच्चीस सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस है, मैं उस जन्म दिवस से पहले हर प्रदेश में जाऊंगा, हर राजनीतिक पार्टी के लोगों से संपर्क स्थापित करूंगा, और मेरा प्रयास यही होगा
इस भ्रष्ट सरकार का विकल्प तैयार किया जाए, मजबूत तीसरा मोर्चा हो और फिर आने वाले चुनाव में उस मोर्चे को सफलता मिले, इस भ्रष्ट सरकार का अंत हो, ताकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो सके। इस सब के लिए हम आपके सहयोग और समर्थन की भरपूर उम्मीद रखते हैं। इस मामले में आप सभी हमारा साथ लें, इसीलिए आप सबको निमंत्रण देकर के आज बुलाया। आप आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी कलम के माध्यम से देश की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा, तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे इस संदर्भ में आपने कोई बात करनी हो तो पूछिए। आप इसको थोड़ा उतार के बात कर ले, आपको कोई कोरोना की मार जितनी पड़नी थी पढ़ ली, क्या करें। किस जगह पर मेरी हार्दिक इच्छा यही होगी कि मैं 25 सितंबर से पहले पहले सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करूंगा, उनका मन बढ़ाऊंगा कि वो इस सरकार के पतन के लिए इकट्ठे हों और उसकी घोषणा 25 सितंबर को ही की जाए, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। एक आदमी बात करे तो जरा उसका जवाब देने में मजा आएगा। अगर आप दोनों मुख्तलिफ बात करोगे तो फिर तो हम लोग आप बताइए क्या चाहिए। चौटाला साहब, आपने एक बात और कही कि मौजूदा सरकार को लोग छोड़ के जाएंगे तो अल्पमत में सरकार आ जाएगी, क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके कुछ नेता आप लोगों के संपर्क में हैं कि तीसरा मोर्चा गठित होगा तो छोड़ के आप लोगों के साथ मिलेंगे ताकि सरकार अल्पमत में आए? जो विपक्षी पार्टियों के नेता है और उन सबके बयान अखबार में छप रहे हैं, क्या इससे साफ जाहिर नहीं हो रहा कि वो इस शासन तंत्र से दुखी और वो दुखी लोग इकट्ठे होकर के इस सरकार का पतन करने के पक्ष में हैं? आज मैं पूछ रहा हूँ, आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश में वर्कआउट किया जी, पहले 25 सितंबर से पहले वहाँ चुनाव होने हैं, पश्चिमी बंगाल की तरह एक रेफरेंडम का काम करेंगे वो चुनाव, तो बेसिकली उत्तर प्रदेश पे कुछ फोकस करोगे आप? मैंने कहा कि मैं हर प्रदेश में जाऊँगा जी, हर राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उन सबसे संपर्क करें। चुनाव के लिए अलग से कोई रणनीति में उत्तर प्रदेश के मामले में कर रहा हूँ? मैं किसी प्रदेश की अलग से नीति न मेरी और आपकी बनाई कर सकती है, न बनाने की प्रयास की जाए। वहाँ के मतदाता की क्या सोच होगी, हम उनकी सोच के मुताबिक निर्णय लेकर के हालात को इतना साजगार बनाने की कोशिश करेंगे कि वो इस सरकार के खिलाफ अपने मत का प्रयोग करें। जनाब साहब, 25 सितंबर को
कौन सी जगह पर किस स्थान पर चौधरी देवी राम की ये बस्ती बनाई जाएगी? ये अभी तक हमारी पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई है। अभी 25 सितंबर में काफी समय है, अभी 2 महीने पड़े हैं। हम सोच कर निर्णय लेंगे कि कौन सी जगह इसके लिए उपयुक्त होगी। हर नजरिए से देखना पड़ेगा कि आवागमन के साधन के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होगी, लोगों का मन जीतने के लिए उनके बीच में जाएंगे, उनसे परामर्श करेंगे और फिर लोगों के परामर्श के मुताबिक ही हम निर्णय लेकर के बताएंगे। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस हम कहाँ मनाएं? ये निर्णय लेने के बाद हम प्रेस को पहले से आगाह करेंगे कि फला तारीख को फला जगह 25 सितंबर को हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस मनाने जा रहे हैं और उसमें विशेष रूप से एक बात के लिए आप लोगों में उत्सुकता और चाव पैदा करें कि 25 सितंबर को इस कुशासन का अंत करने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा भी बड़ी की जाए। सर, तीसरे मोर्चे में संभावित पार्टियां कौन सी हो सकती हैं आपके हिसाब से अगर माने तो? मैंने अभी बताया है कि इस सत्ता पक्ष के खिलाफ जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं हम उन सबसे संपर्क करेंगे। अब कौन सी संभावित हो सकती है ये आज तो मैं नहीं कह सकता, ये तो भविष्य के क्रम में, लेकिन हमारा प्रयास एक ही होगा कि सरकार के विरोध में जो लोग हैं सबको इकट्ठा किया जाए। अब फिर जब लोग इकट्ठे होंगे तो फिर यह पर्याप्त तय हो जाएगा कि कौन इसको संभाल सकता है। आप मेरी बात को सिमट करके केवल परिवार तक सीमित करना चाह रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं। आपके मुंह से ये शोभा नहीं देखती। उसको किस तरीके से देखते हैं? हमारी पार्टी केवल परिवार की पार्टी नहीं है, जनता की सोच के मुताबिक हम संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष को सफल बनाने के लिए हम जनसंपर्क में रुचि रखते हैं। चौधरी साहब, आप पिछले दिनों किसानों के बीच जा रहे हो लगातार, गाजीपुर भी गए तो जींद खटकड़ा भी गए थे, वहाँ किसी एक सतपाल नाम के असामाजिक आदमी ने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करने की कोशिश की, तो क्या स्थिति है सर? आप पे आरोप भी लगाए, इन्होंने वास्तव में हुआ क्या था? प्रधान इस देश में हर ख्याल पे लोग अपनी अपनी सोच के मुताबिक लोग निर्णय लेते। मैं जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले उन लोगों को बधाई देने गया जिन्होंने इस संघर्ष में इकट्ठे होकर के 36 जात के लोगों को शामिल किया। अब हमारा काम यह है कि हमारे देश की उस नीति को सफलतम बनाए
लोगों की इच्छा के मुताबिक चल सके, और लोगों की इच्छा के अनुकूल सरकार बन सके, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चुन पाए। जो किसान आंदोलन का जो गढ़ है वो हरियाणा बना हुआ है, डिग्री बॉर्डर हो गया, शिमला बॉर्डर हो गया, उसके आप गई हुई, और आपने देखा हो कि वहाँ पर खाली किसान वर्ग जो बात कर रहे थे उससे भी जाति की आप बात कर रहे थे ज्यादा कुछ सूचना बहुत, और हरियाणा की सरकार जो कि बीजेपी एजेंसी की गठबंधन सरकार है, ये बार बार होम मिनिस्टर के पास चीफ मिनिस्टर जाते हैं और किसान आंदोलन के बारे में कई लोग कुछ बोलते हैं, कई लोगों को किसान ही बोलते कहते हैं कि विपक्षी दल है, राजनीति कर रहे हैं, किसान नहीं है, तो एक नेता मवाली बोल देते हैं, तो इसका क्या, इस सारी सरकार पे उसको कहते हैं हरियाणा के बीच में ये आंदोलन चल रहा है पूरे देश का, इसको किस गति से देखते हैं सरकार की कार्य प्रणाली? हमारे यहाँ ये बुरी भी लगती है, असलियत में सारी रात रोई एक मरे रोग पुरुष, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो तो सारी डिटेल में बता, माइक तो ठीक है, मैं तो उसके बिना ही काम चला दू, लेकिन आपकी सोच ठीक नहीं है। आप बताओ कैसे ठीक है, आप किस तरीके से सरकार की कार्य प्रणाली को ठीक मान रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन को देख रहे हैं? फिर वही बात, फिर वहीं पे आ गया कि हमें सरकार की कार्य प्रणाली को ठीक मानने के लिए आपके द्वारा लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। क्या मान, हम इस सरकार को अत्यंत भ्रष्ट और करप्ट मानते हैं, जिसने समूचे राष्ट्र के हर वर्ग के हर जाति के लोगों को बेकार और बेरोजगार कर दिया, आज देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, पूरे देश का विवरण तो आपके पास है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार का पतन हुआ था, लगभग 2000 करोड़ रुपए हम सरकार के खजाने में छोड़ के गए थे, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर लगभग 2.5 लाख करोड़ का कर्जा, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है, का बाई इलेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 6 मंथ होने चाहिए था, उसकी डेट अब खत्म हो गई 26 जुलाई से, कृपा करके ये बताइए आप इस चुनाव को बाई इलेक्शन के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लीगल बैटिंग कर रहे हैं, बाई इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, सरकार नहीं चाहती होगी लग रहा है जो है, आप क्या कहें अब इसके बारे में? असलियत तो ये है कि सरकार इस चुनाव से डरी हुई, तो जो कानून बने हुए हैं चुनाव आयोग के उस कानून की भी पालना नहीं हो रही है, तो 6 महीने के अंदर अंदर खाली सीट का चुनाव करा, उसमें कोरोना की हार दे करके उसको बढ़ा देगा, लेकिन देर सवेर चुनाव को निश्चित रूप से करना हो, मैं कोई ज्योतिषी और नजुमी नहीं, मैं कोई जर्नलिस्ट और पत्रकार भी नहीं, लेकिन चूंकि हरियाणा के
वो सीट हमारे पुश्तैनी सीट है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से उस सीट को जीते, और इसलिए सरकार निरंतर उस चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। पार्टी अहमदाबाद का बाई इलेक्शन लड़ेगी और लड़ेगी तो कौन सा कैंडिडेट मैदान में होगा? चुनाव जब घोषित होंगे तो निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी उस चुनाव में उतरेगा। कौन सा कैंडिडेट होगा सर? ये फैसला करना ना आपके इख्तियार में है ना मेरे, ये तो मेरी पार्टी तय करेगी कि किसको चुनाव है। 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो एक पार्टी पैदा हुई थी जननायक जनता पार्टी, भाजपा के खिलाफ उसने चुनाव लड़ा था और वही सरकार में भागीदार हो गई, तो उस डिसीजन को आप कैसे देखते हो उसके? हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, उसका अपना डिसीजन होता है। अब उन लोगों ने क्या सोच के नई पार्टी बनाई, कौन उसमें शामिल हुए, आज उनमें भगदड़ मची हुई और उस पार्टी के लोग पार्टी को छोड़ के गए, बीजेपी के लोग भी पार्टी को छोड़ गए, कांग्रेस पार्टी के लोग भी पार्टी को छोड़ गए। राजनीति में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जनता जनार्दन का जो मन आदमी स्वस्थ रहे, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आज आम नागरिक की जबान पर ये बात हो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भविष्य उज्जवल। चौधरी साहब, पिछले दिनों आपने ये भी कहा था कि जो हमारी पार्टी से गए हुए लोग हैं उनके दरवाजे खुले हैं, अगर वो पश्चाताप कर ले, एहसास कर ले तो हम उनको ले लेंगे, तो इस लेने वाली सूची में जो जननायक जनता पार्टी के लोग हैं दुष्यंत चौटाला आदि, वो उनके भी दरवाजे खुले हैं सर उनके लिए? हमारा किसी से कोई राजनीतिक विरोध नहीं, जो हमारी पार्टी की नीतियों से सहमत होगा और वो अगर हमारी सोच के मुताबिक इस संकट को मजबूत बनाने के लिए हमारा साथ देगा, हम उसका स्वागत करें। सर आपने, चौधरी साहब एक सवाल हो रहा है बस इसी से जुड़ा हुआ, कि दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि हमारे परदादा देवीलाल जी और ओम प्रकाश चौटाला जी अक्सर भाजपा से गठबंधन करते रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया, तो इसमें क्या बुराई होगी? आप बार बार उसी बात को फिर दोहरा रहे हो, और मुझे आखिर में जाकर के आपकी बात को एक ही बात में समाप्त करूंगा कि जो दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल को दादा मानने के बजाय गौतम को दादा मानता था, आज वो गौतम भी उनको छोड़ के चला गया। अभी इसके बाद भी आपको फिर दुष्यंत जी आपके दिमाग में बैठ गया तो मैं कैसे निकालूंगा? अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा ठीक करो, आप प्रेस के लोग हैं, आपकी बात को सारे देश के लोग बारीकी से देखते हैं, तो आपकी मानसिकता छोटी नहीं होनी चाहिए, विशाल मानसिकता होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ज्यादा प्रश्न आप ही पूछ रहे हैं, और जितने प्रश्न पूछे गए उनमें दुष्यंत के अलावा कोई तीसरी बात आपके दिमाग में आई नहीं। अब आपके और उसके क्या रिलेशन है, मेरे और उसके क्या रिलेशन है, वो तो मैंने विस्तार से बताती हूँ। तीसरे मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल हो सकती है?
मैंने ये कहा है कि हम किसी को शामिल नहीं करेंगे। मैंने कहा कि हमारी विचारधारा से सहमत होकर के राष्ट्रहित में कोई अगर हमारे साथ शामिल होगा हम उसका स्वागत करें, और उनमें अग्रणी लिस्ट में आपका नाम सर्वोपरि होगा। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे कि आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे। चौटाला साहब, आप ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई है, सभी से उनकी मुलाकात हो रही है, क्या आपका भी कोई उनसे मिलने का भविष्य में कार्यक्रम है या इस बीच में कोई संपर्क हो पाया? वैसे तो आज की विषय का ये चर्चा नहीं है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मेरे पास टेलीफोन आया था और वो 1 तारीख को मेरे निवास पर मेरे साथ भोजन करेंगे। जो दो राजनीतिक लोग अगर आपस में मिलकर के बैठेंगे तो फिर राजनीतिक चर्चा होगी। इसके लिए मैं आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि 1 तारीख को आप भी मंच पर आएंगे, बजाय प्रश्न पूछने के आप अपने। सर, आपने कहा कि आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है और आप चौधरी देवीलाल जी के सपने को ही साकार करना चाहते हैं ताकि गरीबों को उनका जो है हक है वो मिले, लेकिन दुष्यंत चौटाला कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने अभी बीते दिनों एक बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। कौन से दो? आप और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी तो नीतीश जी आएंगे, अगला खेल आपने अन्य राज्यों में जाना है, जो जो जिनसे फोन पर बात को कोई यहाँ आएगा कोई आप उनके पास चले जाएंगे, उनका मर्जी से को बिहार पश्चिम बंगाल में जा सकते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ममता बनर्जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध, पारिवारिक संबंध, हम दूसरे एक दूसरे के दुख दर्द में निरंतर भागीदार हैं। साल संसद के मामले में बहुत कुछ